दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप बिना किसी इंडिकेटर का यूज करके सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी टेलीग्राम आईडी है नीरज जोशी 5014। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर है। अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मैंने बिगनर्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग करना सिखाया है और लाइव ऑप्शंस ट्रेडिंग करके भी दिखाई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपके पास एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है। एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट खुलवाना बिल्कुल फ्री है और एक महीने आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना होगा। ब्रोकरेज कटेगा लेकिन वापस आपके फंड में ऐड हो जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और एंजल ब्रोकिंग में फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। दोस्तों हमारी सभी वीडियो के कमेंट में बहुत सारे स्कैमर्स मेरे नाम और फोटो का यूज करके कमेंट कर रहे हैं और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं। उनसे कॉन्टैक्ट ना करें, वो सभी फेक हैं। दोस्तों क्योंकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वाले हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी कभी शेयर की प्राइस बढ़ती है तो वो ऐसे सीधा डायरेक्टली नहीं बढ़ती है। जब शेयर की प्राइस बढ़ती है तो वो कुछ इस तरीके से बढ़ती है, आपने ये देखा होगा। और अगर शेयर की प्राइस गिरती भी है तो वो सीधा एकदम से नीचे नहीं गिरती है, वो गिरती है तो सबसे पहले थोड़ा सा गिरेगी, उसके बाद उठने की कोशिश करेगी, फिर थोड़ा सा गिरेगी और फिर उठने की कोशिश करेगी। और ऐसे आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से शेयर की प्राइस गिरती है, एकदम से नीचे नहीं गिरती है। तो जब आपने देखा है कि शेयर की प्राइस ना सीधा एकदम से गिर रही है ना सीधा एकदम से बढ़ रही है, तो यहां पे क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे शेयर की प्राइस एकदम से, यहां पे जैसे आपने देखा कि यहां पे शेयर की प्राइस बढ़ रही थी लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट आया जिसके आगे वो प्राइस नहीं बढ़ पाई और यहां से नीचे गिर गई। तो जिस पॉइंट के आगे नहीं बढ़ पाई तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये होता है इसका रेजिस्टेंस। ऐसे फिर जब उसकी प्राइस नीचे गिर रही थी तो ये एक ऐसा पॉइंट आया जिस पॉइंट से ज्यादा नीचे नहीं गिरी, तो यहां पे उसे क्या मिल गया, यहां पे उसे मिला सपोर्ट। तो ये जो पॉइंट है ये होता है सपोर्ट। ऐसे दोबारा उसकी प्राइस अब बढ़ रही थी, अब इस पॉइंट में क्या हुआ, इससे आगे नहीं बढ़ पाई तो ये हो गया रेजिस्टेंस। फिर नीचे गिर रही थी तो इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर पाई तो ये हो गया सपोर्ट। ऐसे फिर बढ़ रही थी तो इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाई तो ये हो गया रेजिस्टेंस, और इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर पाई तो ये हो गया सपोर्ट। ऐसे यहां पे फिर से रेजिस्टेंस, यहां पे सपोर्ट। तो इस तरीके से शेयर की प्राइस बढ़ती है और गिरती है और ये होता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिकली समझाया है, अब इसे डायरेक्टली हम चार्ट में देखते हैं तब आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों मैंने अभी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। मैं आपको सिंपल से सिंपल समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो इसका यूज कर पाएं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे जहां पे शेयर की प्राइस गिर रही थी लेकिन बढ़ने लगी। अगर आपको ज्यादा अच्छे से यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो ये क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट है तो आप इसको लाइन वाले चार्ट में भी चेंज कर सकते हैं। तो अब आपको ज्यादा बेटर समझ आ रहा होगा कि कहां पर शेयर की प्राइस गिर रही थी और फिर बढ़ गई। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर शेयर की प्राइस गिर रही थी यहां से नीचे तक, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट आया जहां से उसकी प्राइस वापस बढ़ने लगी। तो इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, ये हम पॉइंट हमारा सपोर्ट हो सकता है। ये आपको समझ आ रहा है कि यहां पे हमारा एक सपोर्ट है, ये आपने देख लिया। उसी तरीके से ये भी एक पॉइंट ऐसा है जहां पे शेयर की प्राइस ने नीचे गिर रही थी उसके बाद उठी, ये भी एक ऐसा पॉइंट है, ये भी एक ऐसा पॉइंट है, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जब प्राइस गिर रही थी लेकिन यहां से उसने वापस टर्न लिया है, तो ये पॉइंट क्या है, सपोर्ट है। ऐसे ही यहां से भी प्राइस नीचे गिर रही थी लेकिन ये पॉइंट क्या है, सपोर्ट है। और यहां से भी इसकी प्राइस नीचे गिर रही थी लेकिन यहां पे भी इसका सपोर्ट है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने देखे ना कि यहां पे नीचे प्राइस गिर रही थी और ये इसका सपोर्ट हो गया। अब जब उसकी प्राइस बढ़ रही थी, तो जब एक बार उसकी प्राइस बढ़ रही थी, अब इसका रेजिस्टेंस हमें देखना है। तो जब इसकी प्राइस बढ़ रही थी तो देखिए यहां से इसकी प्राइस बढ़ रही थी, ये जो पॉइंट आया इससे आगे नहीं बढ़ पाई, तो ये जो पॉइंट है ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। ऐसे ही नीचे आई, गिरी, यहां पे इसने सपोर्ट लिया, फिर बढ़ने की कोशिश की, ये पॉइंट हो गया इसका रेजिस्टेंस। फिर नीचे गिरी, इससे ज्यादा इसने बढ़ने की कोशिश की यहां से वापस, ये पॉइंट हो गया इसका रेजिस्टेंस। ऐसे ही यहां पे भी रेजिस्टेंस हो गया। जो जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेजिस्टेंस है क्योंकि इससे आगे वो प्राइस नहीं बढ़ पाई। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। अब ये मैंने आपको लाइन वाले चार्ट में दिखाया है, अब इसको अगर आप कैंडलस्टिक कर लेते हैं तब भी आपको ये जो दिखाई दिया था वो वहीं के वहीं पे नजर आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस यहां से नीचे गिर रही थी लेकिन इससे ज्यादा नहीं गिरी, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया हमारा सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, यहाँ पे हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो अब अगर आपको इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है,
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ पे बहुत सारी जो कैंडल्स हैं उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए आप इस जगह पे जाएं, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन आता है, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसकी एक कमांड भी है ऑल्ट एच। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे गए और आपने ऑल्ट एच प्रेस कर दिया। तो अगर आप ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बन जाएगी, आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो लोग नए होते हैं उन्हें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि उन्होंने सही जगह पर लाइन ड्रॉ की है। तो अगर आपको लगता है कि आपने सही जगह पर लाइन ड्रॉ नहीं की है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत आसपास भी आपने लाइन ड्रॉ की है तो वो भी चल जाएगा। अब यहीं पे एक आपको दिखाई दे रहा है कि तीन बार यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक क्या कर दिया, एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर दी। इसके अलावा आप इससे ज़्यादा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इसने एक बार यहाँ पे भी इसने क्या किया था, यहाँ पे भी इसने एक बार सपोर्ट लिया था। ये भी आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। तो आप यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हमने यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो अब हमने तीन लाइन ड्रॉ कर दी, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए शेयर की प्राइस क्या है, अब शेयर की प्राइस क्या हो रही है, यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ तक जा रही है, उसके बाद यहाँ से नीचे गिर रही है तो यहाँ तक आ रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है तो यहाँ तक जा रही है, फिर नीचे गिर रही है। तो अब अगर आप इसमें बाय एंड सेल करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट पे बाय कर लें, जहाँ पे सपोर्ट है यहाँ पे आपने जैसे ही उसने अपने सपोर्ट को तोड़ा आपने यहाँ पे बाय कर लिया और उसके रेजिस्टेंस पे बेच दिया। सपोर्ट पे बाय किया, रेजिस्टेंस पे बेच दिया, सपोर्ट पे बाय किया, रेजिस्टेंस पे बेच दिया, फिर सपोर्ट पे बाय किया, रेजिस्टेंस पे बेच दिया। तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके बाय एंड सेल कर सकते हैं, और सेम इसी तरीके का यूज़ आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप सपोर्ट पे खरीदें और रेजिस्टेंस पे बेच दें। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपने देखा कि यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ रही है, अगर ये इस पॉइंट को तोड़ के ऊपर निकल जाती ना तो यहाँ से क्या होता कि ये इसका क्या बन जाता, अब सपोर्ट बन जाता, क्योंकि अब इसके प्राइस ऊपर आ जाती। अगर इससे नीचे है तभी तक वो रेजिस्टेंस है, जब इसको तोड़ के ऊपर चली गई तो वो इसका क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। ऐसी अगर इससे ऊपर चली जाती तो इसका क्या बन जाता, सपोर्ट बन जाता, फिर वो यहाँ तक जा सकती थी या फिर एटलीस्ट यहाँ तक तो जाती। और इसी तरीके से अगर आप इससे नीचे अगर वो आती है, इसको तोड़ देती है, तो फिर और नीचे आ सकती है। अब जैसे हम इससे नीचे देखें तो देखिए इसने इसको तोड़ दिया, यहाँ से नीचे आई और बहुत ज़्यादा सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिव थे, इससे नीचे आई और इसको तोड़ते हुए यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पे इसने एक और सपोर्ट लिया, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे एक और लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, तो अब देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, तो अब यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद इसकी प्राइस यहाँ तक गई, और यहाँ पे जैसे ही उसने इसको क्रॉस किया, तो जब तक इसने इसे क्रॉस नहीं किया था तब तक ये पॉइंट इसका क्या था, ये पॉइंट इसका था रेजिस्टेंस, और जैसे ही इसने इसको क्रॉस कर दिया तब ये बन गया इसका सपोर्ट और ये बन गया इसका रेजिस्टेंस। अब इसके बाद आगे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे इसकी जो प्राइस थी वो अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही चल रही थी, नीचे नहीं आ रही थी। और आपने देखा कि एक बार जो इसकी प्राइस थी उसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और ऊपर चली गई, लेकिन फिर दोबारा से वापस रेजिस्टेंस के पास आ गई। तो जब भी अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो थोड़ा सा वेट किया कीजिए, उसके बाद बाय किया कीजिए। अब यहाँ पे भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, आपने देखा कि यहाँ पे स्टॉक की प्राइस अपने सपोर्ट के आसपास आई और जैसे ही सपोर्ट के आसपास आई तो फिर वापस बढ़ गई। अब यहाँ पे देखिए जैसे इसने अपने इस वाले सपोर्ट को तोड़ा तो अपने फर्स्ट सपोर्ट को तोड़ने के बाद सीधा सेकंड वाले सपोर्ट पे आई, और सेकंड वाले सपोर्ट पे आने के बाद इसकी प्राइस ऊपर उठी। तो आपको जब दिखाई देता है कि इसने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है तब आप इसका पुट भी ले सकते हैं, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और अभी तक सिर्फ तुक्का मार के अंदाजे से पुट और कॉल बाय कर रहे थे, तो अब आपके पास एक स्ट्रैटेजी आ चुकी है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं पुट एंड कॉल बाय करने के लिए और ऑप्शंस करने के लिए। ये स्ट्रेटेजी 60-70% काम करती है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर 60-70% कुछ काम कर जाए तो वो बहुत ज्यादा होता है। अब क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज कर लें, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी स्ट्रेटेजी होगी, वो 100% काम नहीं करेगी, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, तो क्योंकि आप स्टॉक को सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं, तो जब आप सपोर्ट पे बाय करते हैं तो अगर प्राइस सपोर्ट से नीचे गिरती है तब वो और ज्यादा गिर सकती है, तो आपको सपोर्ट से थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा, या फिर एक ट्रेड में आप जितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से ही आप स्टॉप लॉस लगाएं। और आपका जो टारगेट होगा वो होगा इसका रेजिस्टेंस, तो जो इसका रेजिस्टेंस है वहां पे आप अपना टारगेट लगाएं, और अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी वो जो प्राइस है स्टॉक की वो रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुंच पा रही है तो आप उससे थोड़ा पहले भी सेल कर सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यहां पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी का यूज करते हैं तो उसको यूज करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर कर लें, और ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होती है, तो सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और चाहे आपको लाइफ में कितना भी भरोसा हो, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग में फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।